स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अमित टेक्निकल ग्रुप में। दोस्तों मैं उनको आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक अनुकंपा को लेकर बहुत बड़ी खबर जारी कर दी गई है, जैसे कि हाई कोर्ट का फैसला था विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति पाने की अधिकारी और हाई कोर्ट ने दिया आदेश। दोस्तों आज का ही अपडेट है 25 फरवरी 2020 6:54 पर आपका अपडेट हो चुका है, जैसे कि हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो के आगे तक बने रहिएगा ताकि इसमें क्या क्या हाईकोर्ट ने फैसला दिया है आप सभी को सुनना बहुत ही जरूरी होगा। इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो का आखिरी तक रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। तो हाईकोर्ट की लखनऊ के बेंच के महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि विवाहित पुत्री की मृतक आश्रितों के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति पाने की अधिकारी है और कोर्ट ने कहा कि परिवार की परिभाषा सिर्फ अविवाहित व विधवा पुत्रियों को नहीं बल्कि विवाहित पुत्रियां भी हो जाती है। और ये आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल सदस्य पीठ के माला देवी के याचिका पर परित्र किया। न्यायालय ने अपने आदेश को कहा कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमेट ऑफ इंडिया डायरेक्शन ऑन हॉर्न रूल्स के नियम 2 में परिवार की परिभाषा दी गई है, जैसी जिसकी धारा 3 से अविवाहित विधवा पुत्री के शामिल कर किया जाता है। हालांकि इस हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकृत घोषित करते हुए विवाहित शब्द को हटा दिया था जिसमें अविवाहित और विवाहित दोनों पुत्रियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकृत हो गई। लिहाजा याजी के अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ इसी प्रकार सिर्फ इस आधार पर इनकार करना विवाहित पुत्र बदली नहीं। तो क्या था मामला, याची ने कहा था कि उसके पिता चिरा पुलिस लाइन हॉस्पिटल बिजनौर से होकर के पद पर तैनात थे, नौकरी में रहते हुए ही उनकी मृत्यु 7 मार्च 2019 को हो गई। याची के अपने पिता के आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लिखित अनुरोध किया कि लेकिन इसके अनुरोध को 9 और 10 अक्टूबर 2019 को कहते हैं ठुकरा दिया। याची विवाहित पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं, न्यायालय के अब टिप्पणियों के साथ 9 और 10 अक्टूबर 2019 के आदेश को रद्द करते हुए याची अनुकंपा नियुक्ति पर पुनः विचार करने के आदेश दिया। न्यायालय के प्रतिवादियों को 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट आप तक रोजाना पहुंच सकेगा। दोस्तों धन्यवाद।